So guys, पता है ना इस गाड़ी का ये हाल कैसे हुआ? अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उसे आप सिंपली वहां से जाके देख सकते हैं। बाय द वे, सो गाइस, हम क्या करते थे कि हम एलपीजी गैस होती थी, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उन्हें इन बोतल्स के अंदर ही भर लेते थे। और कमाल की बात यह है कि ये जो बोतल्स है ये उनके प्रेशर को सहन कर लेती थी और हमारी बोतल फटती नहीं थी, और वो जो गैस है वो इसके अंदर बड़ी आसानी से स्टोर करके रखी जा सकती थी। लेकिन गाइस, वहीं पर जब बात आती है लिक्विड नाइट्रोजन की, तो लिक्विड नाइट्रोजन का जो प्रेशर होता है, यानी कि जो वेपर प्रेशर होता है, वो एलपीजी से कहीं गुना ज्यादा हाई होता है। तो ऑलराइट गाइस, तो आज हम लिक्विड नाइट्रोजन को इस बोतल के अंदर डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्या ये जो बोतल है ये लिक्विड नाइट्रोजन को भी कुछ उसी तरीके से स्टोर कर पाएगी या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। राइट गाइस, तो इन बोतल्स की इतनी औकात नहीं है कि वो लिक्विड नाइट्रोजन को स्टोर कर सके। सो गाइस, देखा आपने, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन का वेपर प्रेशर कितना ज्यादा हाई होता है। सो गाइस, जवाब मिल गया, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन से संबंधित कोई भी कीड़ा अगर आपके दिमाग के अंदर है तो उसे जरूर निकालिएगा, मुझे नीचे कमेंट्स में बताकर। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।